एनटीपीसी में 50 के लगभग नंबर आया है भैया, क्या हम सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं, कट ऑफ क्या जा सकता है बताइए भैया। देखो एक बात मैं आपको बोल दे रहा हूं, इस वीडियो में आपको कट ऑफ भी बताऊंगा और वो बातें ही बताऊंगा ना जो यूट्यूब के ऊपर आपको कोई नहीं बता सकता। कोई वीडियो आप देख लेना, ये बात आपको नहीं बताएगा। अगर आज के वीडियो का बात ना दिल तक समझ गए तो एक साल के अंदर ना सरकारी नौकरी से आपको कोई नहीं रोक सकता, और मैं जोड़ूंगा आपके दिल तक ये बात, ठीक है। मैं वीडियो में कटअप भी बताऊंगा कटअप किया जा सकता है, लेकिन मेरी बातों को ना अंदर तक समझिएगा पूरा वीडियो में। बाबू पागलपन के हद तक मेहनत करेंगे, चीज को समझना, चीज हो क्या रहा है अभी। बहुत जगह वीडियो मिल रहा है, लाख सर्वे करवाए हैं, 1.5 लाख सर्वे करवाए हैं, हम सटीक बता रहे हैं, जोन देख लो, ये सब क्या चक्रव्यूह को तोड़कर आप मेहनत करोगे, क्या बता रहे हैं। देखो पहले ना कुछ सवाल का आंसर देना आप सभी। अगर आपको बोला जाए आप एग्जाम में जो भी नंबर लाए, 40, 45, 50 जो भी नंबर लाए हैं, आपको पता है ये आपके मेहनत का नंबर है, ठीक है। अगर एक आदमी आया और बोला ना अपने मेहनत के नंबर को जुआ में लगा दो, या तो तुम बर्बाद या तुम आबाद, तो आप एक पल के लिए सोचिएगा लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन बर्बाद अगर हो गए ना तो वहां से फिर वापस लौटने का रास्ता नहीं है, वहां से सब रास्ता बंद हो जाता है बाबू। और रास्ता बंद का मतलब समझते हैं, अपने साथ साथ अपना पूरा जीवन, अपने परिवार, बाल बच्चा, मेहरारू, सबका जिंदगी बर्बाद कर दिए, क्योंकि जुआ खेल गए। लेकिन अगर आप यही सोचो जो मेरा मेहनत से नंबर आया है ना, अगर इसमें और मेहनत किया जाए तो एक जगह ऐसा पहुंचा जा सकता है, अपनी कमी को दे, कमी क्या रह गया उस पर अगर काम कर दे तो एक ऐसा जगह पहुंचा जा सकता है ना जहां पर इज्जत की जिंदगी हम लोग जी सकते हैं, जहां हमको लोग सम्मान दे सकते हैं। नहीं समझ में आया कटअप बताऊंगा वीडियो में, पहले आप सुनिए। मान लीजिए ना आपने लाख रुपया अपने मेहनत से कमाया है, ठीक है। एक आदमी आया बोला ना एक गेम तेरे लायक है, एक खेला तेरे लायक है, एक काम करना उस खेल में तुम पैसा लगा दे, सट्टा जुआ खेल जाओ सट्टा, तुम ना लाख रुपया तेरा पैसा ना बहुत जल्दी 2 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब आपको विश्वास है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और आपने लगा दिया अपना मेहनत का पैसा। और जगह यहां पर आप आबाद भी हो सकते हैं और डूब भी सकते हैं। आबाद हो गए तो बहुत बढ़िया, अगर डूब गए तो सारा रास्ता बंद हो जाएगा, ठीक है। और एक बच्चा, एक ऑप्शन आपके पास और था कि जो तुम मेहनत से पैसा कमाए है ना उसको ऐसी जगह लगाओ जहां पैसा डूबे ही ना, और तुमको और भी पैसा मिले और तुम अपना जिंदगी जो है वो सम्मान का बिता पाओ, इज्जत का। अब आप जब डूब जाते हो ना, स्टार्टिंग में लगता है कि लगा दे, और अचानक डूब जाता है जब, तो लगता है नहीं नहीं अब हमको वो चाहिए, अरे अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप समय बर्बाद कर चुके हो और सारा रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो गया है। अब कोई रास्ता तुम्हारे कामयाबी के लिए खुलता ही नहीं है, तुमने अपना मेहनत बर्बाद कर दिया, समय बर्बाद कर दिया, समय सबसे बड़ा चीज है। नहीं समझ में आया, एक चीज और समझिए, समझिएगा मेरी बात को, अब समझ में आएगा आपको बात। दो लड़का है और दोनों लड़का ना एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया है और ग्रुप डी का भी फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। समझिएगा इस ग्रुप डी को ना एसएससी, जीडी, एमटीएस या फिर आप सीएचएसएल, सीजीएल कोई भी एग्जाम मान लीजिए, बच्चा दोनों फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। एक बच्चा क्या है ना एग्जाम में 40, 45, 50, 55, 60 आ लाया है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है आज के डेट में, सच्चाई बता रहा हूं, चीज समझना। अब ये क्या कर रहा है ना, जगह 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 पूछ रहा है, हम एससी से हो जाएगा 40 में, मेरा 45 में हो जाएगा, मेरा 60 में हो जाएगा, ये ऐसे कर रहा है। और सुबह से शाम तक ना एक ही वीडियो देख रहा है, हम 1 लाख का सर्वे करवाए हैं, हम 1.5 लाख का सर्वे करवाए हैं, हम ना सटीक बताएंगे, जोन वाइज बताएंगे। अब ये बच्चा दिन भर यही चीज कर रहा है, यही सटीक में लगा, आशा में। अब ये ना आशावादी बन चुका है, हो जाएगा। अब ये ना बाबू ये जो मेहनत किया था उसको अब आगे तक ले जाने के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा है, हाँ बाद में करेंगे, रिजल्ट आ जाए, अब इसके बारे में सोच रहा है। और एक बच्चा ना इधर है, इसका भी नंबर खराब नहीं आया है, इसको भी अपने मेहनत के अनुसार नंबर मिला है, लेकिन ना इसको ना एहसास हो रहा है ना कि आंसर की निकलने के बाद कि ना यार मेहनत में बहुत कमी था कुछ ना कुछ, इसीलिए आज हम मझधार में फंस गए, बीच में नैया डोल रहा है मेरा, यार रोया। आंसर की जिस दिन निकला ना उस दिन बहुत रोया, फूट फूट कर रोया, अकेले में दम तोड़ कर रोया, अकेले में सोचा ना बाबू मेरा एग्जाम नहीं निकला तो मेरा परिवार, मेरा माँ पापा सब बर्बाद हो जाएंगे, उनका इज्जत, उनसे सब बाहर में क्या पूछेगा। बाबू का रिजल्ट निकला, वो बहुत रोया उस दिन अकेले में। रोने के बाद ना एक
आस का किरण दिखाई दिया कि भैया मेरे पास ग्रुप डी का अभी चांस है। अब हम ना जो कमी था मेरे अंदर ना, अब उस कमी को ठीक करेगा। इतना पढ़ेंगे ना बाबू, इतना सब बोलता है रोने के बाद, इतना पढ़ेंगे कि साला इस नौकरी को हम लेकर रहेंगे। बच्चा रोने के बाद, जबकि इसका नंबर भी खराब नहीं आया एनटीपीसी में, इसको अभी चांस है, लेकिन इस समय ना अब ये भीख नहीं मांगा, मेरा हो जाएगा 40-45 में हो जाए। अब ये सोचा ना, अब एक सेकेंड भी टाइम ना बर्बाद नहीं करेगा, अपन एक सेकेंड भी टाइम बर्बाद नहीं करेगा, अब नोट्स बनाएगा, जो कमी रह गया तो खत्म करेंगे। क्योंकि ना ये दिन देखना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमी था, कटक बताएंगे अभी। अब ये बंदा लग गया और उसी इसी के दोस्त, इसी के कंपटीटर बहुत लोग कहां लगे हैं, यहां पर लगे हैं। अब ये दिन भर किताब पलट रहा है, खत्म कर रहा है टॉपिक। अब इसको पता चल गया है तीनों टॉपिक पढ़ना है, जीके जीएस, उसके बाद से करेंट अफेयर, एक ही में आता है मैथ और रीजनिंग। अब तो ये बया नया छोकरा नहीं है, ये नंबर तो अच्छा लाया, 40-45-50 नंबर लाया है, तो अब इसको पूरा शुरू से नहीं पढ़ना है, ये बहुत कुछ पढ़ चुका है। अब सोच रहा है बेटा हम क्या क्या कंप्लीट करना है, दुनिया लगी है कटअप पता करने में, मेरा हो जाएगा, लेकिन हम लगे हैं अब इसमें। अब दिखाते हैं दुनिया से आगे कैसे निकलते हैं, क्योंकि अगर इस बार नैया डूब गया ना, तो बाबू ना हम रहेंगे, ना मेरा परिवार रहेगा, ना मेरे मां बाप का सम्मान रहेगा। बाहर में निकलते पापा मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे, बबुआ का हुआ नौकरी का, अरे नौकरी अब तैयारी नहीं करता मेरा बच्चा एनटीपीसी, अब ये पागलपन के हद तक मेहनत कर रहा है। तो आपको चूज करना है, आप अभी क्या करेंगे, रोए, कमी था कमी को ठीक करिए, उस पर काम करिए। गारंटी बोल रहे बाबू, गारंटी, आप 40-45 नंबर लाए ना, इस नंबर को आपको 70-80 में बदलने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप नए नहीं रह गए, आपको टॉपिक पता है, सिलेबस पता है, आपको बस अब काम करना है। जो समय बर्बाद किए है ना, उसके बारे में सोचो क्या क्या किए, उसके पीछे काम करो, मेहनत करो। अब देखो कट ऑफ क्या जा सकता है अपने इस 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सात साल की जिंदगी में ना, बहुत सारा एग्जाम देखे, बहुत सारा कट ऑफ भी देखे। जब हम भी एग्जाम दिए थे ना 15 में, उस समय भी कट ऑफ देखे, कट ऑफ कितना जाएगा बैंक पीओ का 15 वाला में 60-65, अड्डा चड्डा पड्डा बहुत सारा चैनल था उस समय, 65 कट ऑफ जाएगा बाबू। 38 में कट ऑफ क्लियर हुआ था, 38.5 में पी का एग्जाम का, हम बहुत सारा एग्जाम देखे। तो कट ऑफ के पीछे मत भागो, लेकिन मुझे लगता है ना बाबू, मुझे लगता है कि जो एनटीपीसी का कट ऑफ जाने वाला है ना, मुझे जहां तक लगता है, जिनका भी नंबर ना 52-55 के बीच में है, रॉ मार्क्स की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद, बहुत लोग को मेरा बात खराब लग सकता है, लेकिन आपको हम दूसरा रास्ता बताए हैं, ठीक है। रॉ मार्क्स जिनका भी नंबर 52-55 के अंदर है ना, जनरल वाले, वो बिल्कुल तैयारी अपना सीबीटी 2 के लिए कर सकते हैं। अब ये मत सोचो उसके पास ओबीसी में जितना भी, आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, एक एक नंबर कम रहता है, तो SC ST एक एक नंबर आप कम कर लीजिए, लगभग वही नंबर रहेगा, फिर नॉर्मलाइजेशन में कभी कभार 5-10 नंबर बढ़ेगा भी, तो लगभग इतने नंबर वाले ना सीबीटी 2 का तैयारी कर सकते हैं। अब ना आप इसके बाद कोई वीडियो मत देखना किसी का भी, आपको फैसला करना है कि आप कितना समय अभी बर्बाद कर रहे हैं। और एक बात बता देते हैं, आप ना जो मेहनत अगर आप 5 दिन में करेंगे ना, 5 दिन में करेंगे, और 6ठा दिन से यहां पर 5 दिन अगर आप फाकी मार दिए ना, तो फिर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो रिदम नहीं रहेगा, ये सच्चाई है, ये रिदम नहीं रहेगा। आप ना 5 दिन दौड़े बहुत दौड़े और 5 दिन घर में सो गए, तो उसके बाद दौड़ना स्टार्ट करेंगे, रिदम नहीं बन पाएगा। तो आप अपना रिदम तोड़ रहे बाबू, अपना रिदम तोड़ रहे, किस चक्कर में कट ऑफ किया जाएगा नहीं जाएगा, अरे ठीक है जो किए किए मेहनत, अब मेहनत को ऊंचाई तक लेकर जाना है। आपको समझना पड़ेगा आपके पास क्या क्या टॉपिक है, आपके पास जीके है, जीएस है और करेंट अफेयर है, सीबीटी 2 में 50 नंबर का आने वाला है ये टॉपिक, उसके बाद से मैथ है, उसके बाद से रीजनिंग है। बाबू रीजनिंग तो हम आपको ऐसा पढ़ाए हैं कि सीबीटी 2 का भी एग्जाम देंगे 30 में आपका 28 नंबर कोई नहीं छीन सकता, पढ़ाए ना, और डेली रात को 10 बजे करवा भी रहे, मैथ भी आपको करवाएंगे। जीके जीएस में हम क्या बोले, करेंट अफेयर, स्टैटिक जीके, उसके बाद से अलग का जीके और जीएस, ये 4 टॉपिक आपके पास है। तो इस 4 टॉपिक को आप चाटो मतलब खत्म करो, ये मत देखो एग्जाम कब, खत्म करिए अपने टॉपिक से। करेंट अफेयर आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक का पीडीएफ पूरा दिए हैं,
टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, दिए कि नहीं दिए आप उसको चाट जाओ बाबू। टेलीग्राम का चैनल क्या नाम क्या, सक्सेस की 98। स्टैटिक जीके का आपको टॉपिक कल ही दिए टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। और मैं बराबर क्या बोला हूं, स्टैटिक जीके का आपको कल पूरा टॉपिक दिए हैं पूरा, ताकि एक क्वेश्चन भी आपका ना छूटे। ये दिए कि नहीं दिए बताइए, ये टॉपिक आपको दिए, अनुच्छेद हो गया, जनगणना हो गया, अभ्यास हो गया, जितना भी आविष्कार है सब डाल दिए, हवाई अड्डा, मेजरमेंट योजना, रिवर बांध, ये सब मैंने आपको कल दिया है। अपॉइंटमेंट, बाउंड्री, महत्वपूर्ण लड़ाई कौन जीता है, पार्लियामेंट, नेशनल पार्क, पीएच मान, विटामिन, क्रांति, ये सब आपको कल दिए, ये सब टॉपिक आपको कल दिए, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। और एक बात मैंने आपको कल ही बताया ना, ये पेड था, इसका प्राइस कितना है, 69 है। और मैं बराबर क्या बोलता हूं, जरूरी नहीं कि आप लीजिएगा, और मैं बराबर क्या बोल रहा हूं कि ना बाबू लेना वही ना, कि देखो 69 में मेरा मेहनत का कोई क्या तुलना करेगा, लेकिन लेना वही ना जो दिल से पढ़ रहा है, जिसको सच में एग्जाम निकालना है वो लीजिएगा। ये नहीं ना कि भैया मेरे पास रीजनिंग का भी किताब है, मैथ का भी बहुत सारा किताब है रखा हुआ, पढ़ नहीं रहे बाबू। इसके पीछे ना हम 28-30 दिन रात ना जग जग कर रेडी किए, ताकि ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपके एग्जाम में एक को क्वेश्चन बाहर ना बने, बहुत मुश्किल से रेडी किए। तो आप सभी ना लेकर ना इसको ना बस रख मत दीजिएगा। हम क्या बोले, 91 पेज का पीडीएफ है, 91 पेज का, इसको आपको चाट जाना है, चाट जाइएगा आप सभी, ये हर एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी मैं बता चुका हूं कि आपको करना क्या है, फैसला आपको करना है। ये वाला ना डायग्राम में मैंने बहुत कुछ समझा दिया है कि आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है, अब फैसला आपको करना है। और पीडीएफ आप ले कैसे सकते हैं, मैं क्या बोला, जिनको नहीं लेना है वो मत लीजिएगा, लेकिन जो लीजिएगा ना उसको कम से कम 10 से 12 दिन के अंदर चाट जाइएगा। लेना कैसे एक बार आप देख लीजिए, किसी को डाउट होगा भी नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ना यहां पर लिखिएगा सक्सेस की 98, देख रहे हैं, जैसे ही सक्सेस की 98 खोलेंगे आपके पास ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैंने हालांकि इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद ना इसको ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे, अब आपको बोलेगा ना कि आप या तो अपने जीमेल से लॉगिन हो जाइए या फिर यहाँ पर नया अकाउंट ना लीजिए, तो आप ना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा ना एक नया अकाउंट यहाँ पर आप सभी जो है वो बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे नया अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या बोलेगा, तो एक अपना यूज़र नेम दीजिएगा, आपका जो ईमेल आईडी है वो आप दीजिएगा, और कोई नया पासवर्ड बना लीजिएगा और साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप ये अपना ईमेल आईडी याद रखिएगा, पासवर्ड याद रखिएगा, और यूज़र नेम याद कहीं लिख लीजिएगा, जब भी लॉगिन अगर आप भूल जाएँ तो आप इस चीज़ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप लॉगिन हो जाइएगा, उसके बाद मैं दिखाता हूं आगे। उसके बाद आपके पास ये पेज देख रहे हैं खुल जाएगा, ऐसा पूरा ऐसा खुल जाएगा। आपको करना क्या है, ऊपर देखेंगे यहां पर आप सभी, यहां पर दिया गया है आपका स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके देख रहे हैं यहां पर दिया गया है, तो आपको इसी पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करें, जैसे ही करेंगे तो आप ना, हालांकि मैंने बाय कर लिया है, अगर आप वहां पर जाकर अपने फोन पे या फिर पेटीएम या फिर अपने कार्ड से बाय कर लीजिएगा, और बाय करने के बाद 10 सेकेंड से 20 सेकेंड रुकिएगा। ये नहीं कि बाय किए फटाफट पीछे चल गए, ऐसा नहीं, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड रुकिएगा। प्रोसेस होने के बाद दोबारा से आप जब खोलेंगे ना ये ऑल ई बुक, तो आपके पास यहां पर ऐसा दिखेगा व्यू ईबुक, इस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद व्यू पर क्लिक करिएगा, आपके पास देख रहे हैं पूरा ऐसा खुल जाएगा, ऐसा पूरा खुल जाएगा, और इसको आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। सब चीज नोट कर दिए हैं, और ये फटेगा नहीं, मैं बड़ा करके दिखाता हूं, देख रहे हैं आप, फटेगा नहीं ये चीज, ठीक है। आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। अच्छा, डाउनलोड कैसे करना है फोन में, तो ऊपर देख रहे हैं ये वाला, यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया, अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा ओपन सेटिंग, ओपन सेटिंग पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाइएगा और यहां पर देखिए दिया गया है आप सभी का परमिशन अलाउड, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे में स्टोरेज देख रहे हैं, तो स्टोरेज पर ओके कर दीजिएगा, ठीक है। करने के बाद पीछे आ जाइएगा और फिर से कुछ नहीं करना है, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना आपके फोन में देख रहे हैं स्टार्ट हो गया, आपके फोन में ये डाउनलोड हो गया,
और आप इसको सोल सकते हैं और इसको आप जाकर मार्केट में प्रिंट भी करवा सकते हैं। आई थिंक सभी का डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर, और चाहे कभी कभी आपको यहाँ पर भी, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं बाई करने के बाद, यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, तो इस तीन को ऊपर क्लिक करिएगा और उसके बाद आपका ई बुक, यहाँ पर आपका ई बुक नहीं दिखा रहा है, डाउनलोड वीडियो पर तो आप यहीं से, अच्छा नीचे में दिखा रहा है, ऑप्शन नीचे में कर दिया गया, यहाँ पर देख रहे हैं नीचे में ई बुक, इस पर भी आप क्लिक कर कर यहाँ से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आया होगा, ठीक है।